जी उधर सहारनपुर विखे कल एक गुरद्वरे की जमीन के कब्जे को लैके हुई हिंसा के विरोध में जम्मू के सिखा ने भी सवेरे जम्मू पठानकोट हाईवे से प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जम्मू पठानकोट हाईवे से जाम भी लगाई रखा। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे सन कि यूपी सरकार सहारनपुर के हिंसा करने वाले मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। काबले गौर है कि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में भी एक 3 मैंबरी वफद सहारनपुर भेजा गया सी, जो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं सौंपेगा। फिलहाल सहारनपुर में माहौल हाले भी तनावपूर्ण बनिया होया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी सहारनपुर में हुई हिंसक घटना से गहरी चिंता का प्रगटावा किया है, अते नाल ही अमन शांति की भी अपील की है। सहारनपुर होया हिंसक घटनावां अते गहरी चिंता का प्रगटावा करती है अते एक घटनावां की सख्त निखेधी करती है। इस घटना देश के हर हिस्से विच अमन अते भाईचारक सांझ बनाई रखने की अपील करती है। जी उधर पटियाला के देवीगढ़ के दे पिंड हाजीपुर विखे हुए एक झगड़े दौरान गोली लगन करके एक व्यक्ति की मौत हो जाने की खबर है, जबकि एक आदमी तो एक औरत फट्टड़ हो गए। इस संबंधी थाना जुलकां की पुलिस ने 12 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अगली कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पिंड हाजीपुर विखे घर के अगे गली की थान लैके दो धिरों विचाले झगड़ा हो गया सी। एक धिर ने दूजे पर हमला कर दिता तो उसका समान घरों बाहर सुटना शुरू कर दिता। इस दौरान दोहां धिरों विचाले इट्टां रोड़े भी चले और गोलियां भी चलाईया गई, जिस विच एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल सारे मुलजम फरार दसे जा रहे हैं। बंदा मरिया, बंदे इकट्ठे किए थे उन्होंने तकरीबन 7 बजे सवेर तो लागे बंदे इकट्ठे करना लुधियाने के बंदे बंदे होने तकरीबन 50-60 होने बंदे, क्योंकि असरा भी बहुत ज़्यादा ही उन्होंने को जब तक धक्के ना मेरा घर मरते ही जिन्ना चेर लड़ते रहे लड़ते रहे धक्के ना मुकाबला करते अभी इन्नी कोशिश करते रहे भी घर नहीं हजार की कोई सौ गोलियां साढ़े लिए बड़ा मार लग गया वो गोली मारती पिछे तो कोई जगह का रौला बदरौला सगा वो दोवें पार्टियां एक दूजे आमने सामने हो गई। पहला रोड़े बटे चले उस बाद फिर निशान सिंह पार्टी ने गोली मारी बंदे दे सज्जे मुंडे को सिरे जुड़े लगे बंदे की मौके की डैथ हो गई। दोषी सारे फरार ने परचा दर्ज कर लिया अपने कार्रवाई। नजायज़ प्रेम संबंधा विच भिजी हुई एक धी ने ही अपने प्यो नूं मौत की सौगात दे दी। यह मामला बटाला के पिंड अलावलवाल का है, जिथे एक सनसनीखेज घटना विच इस कुड़ी के प्रेमी और उसकी मां ने भी साथ दिता। दरअसल मृतक सुखदेव सिंह अक्सर ही अपनी धी नूं अजिहा करन तों रोकता सी, जिस कारण अपनी मां और प्रेमी दे नाल मिलके इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। जदों सुखदेव सिंह की लाश नूं खुरद बुरद करन दे लई एक स्कूटरी ते किधरे ले जाया जा रहे थे तो रस्ते में एक व्यक्ति ने इन्हें शक पै गया, जिसने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस इन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए हाले छापेमारी कर रही है। भरा सुखदेव सिंह उसकी घरवाली बलविंदर कौर, उसकी बेटी अमनदीप कौर, बेटी का प्रेमी सुखदीप सिंह, जिन्हें तिना ने रल के मेरे भरा का कतल किया सुखदेव सिंह का। तो उसकी लाश लैके कितने खुद बुद करने जा रहे थे तो असी सानू पता लगा असी पुलिस को इतलाह दी तो पुलिस हड्डी तह से कार्रवाई की तो उसकी लाश बरामद कर ली है। साढ़े पिंड सुखदेव सिंह का कतल होया जी, ये बड़ी घिनौनी वारदात हुई है। इस विच दोषियां उसकी पत्नी बलविंदर कौर लड़की और उसके प्रेमी ने रल के जरा घिनौनी साजिश की है। अं प्रशासन मांग करते हैं कि इन्हों दोषियों सख्त तो सज़ा सज़ा दी जाए। बेशक साडा देश आज़ाद होया 67 वरे तो ज़्यादा का समा हो गया, पर हाले भी देश में अजिहे अस्थाई पुल मौजूद ने जिन्हां वल सरकारां दा कोई ध्यान नहीं है। अजिहा एक लक्कड़ का पुल नंगल के करीबी पिंड दडौली विखे सतलुज दरिया उत्ते बनया होया, जिस उत्तों हर रोज़ सैकड़े ही लोग अपनी जान जोखम दे विच पा के लंघते हैं। लक्कड़ दे इस अस्थाई पुल नूं स्थानक लोगों ने खुद अपनी सहूलत लई तैयार किया है, नहीं तो इन्हां नूं लंबा सफ़र तय करके शहर आना पैंदा है। इतों रोज़ाना लंघन वाले लोगों की मनीए तो कई बार इतने हादसे भी वापर चुके हैं, पर फिर भी प्रशासन ने इस वल ध्यान देने की जहमत नहीं की।
उधर इस मामले बारे जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन के नाल जदों गल की गई तो उन्होंने छेती ही इस पुल बारे हल करन दा भरोसा दिता। कि साडे पिंड दे साडे नाल दे पिंड दे 25-30 पिंड लगते हैं जो कि हिमाचल नूं भी लगते हैं कि पनाम ते नानगरा ते होर बहुत सारे पिंड अपना इस पुल दे उत्तों दी गुजर लोग गुजरते हैं ते उन्हां नूं इस पुल दीआं बहुत ही समस्यावां आउंदीआं है कि इस पुल तुहानूं देखो कि साडा पुल कच्चा है फटियां दा है इस दे फटे टुटे हुए है प्रशासन इस वाल कोई ध्यान नहीं दिंदा साडा पुल है जिहड़ा पक्का कीता जावे तां कि किसे नूं कोई समस्या ना हो। मेरा भतीजा अज तों 25 दिन पहला इस पुल तों दरिया विच डिग्गिया सी ते उसदी रीढ़ दी हड्डी टुटण कारण ओपीजीआई दाखल है जी अजे ते उत्थे इलाज वधा चल रहा जी। गिरिया किदा जी पुल तों? पुल तों फट्टी टुटण नाल थले गिर गया जी पुल दी फट्टियां बहुत कमजोर है जी। तुहाडी की मंग है जी? साड़ी मांग ये है कि इस पुल को पक्का किया जाए। मदन मोहन मित्तल और मैं बतौर चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड इस गल का विश्वास दिला सकता कि सरकार वालों जल्दी ये काम शुरू किया जाए। समय सीमा तो नहीं आप बन सकते पर बनेगा जरूर 5 साल दे इस पीरियड के अंदर बनेगा जरूर। तो इस खबर के नाल ही वेला हो चलिया तुहाडे तो इजाजत लैंदा पर जाते जाते एक बार फिर नज़र पावांगे हुण तक दीआं सुरखियां ते। पटियाला तो विधानसभा जिमनी चोण दे लई श्रोमणी अकाली दल ने भी उतारिया अपना उम्मीदवार भगवान दास जुनेजा लड़नगे परनीत कौर दे खिलाफ चोण। सहारनपुर विखे एक गुरद्वारे की जमीन के कब्जे और सिखा से किए गए हमले को लेकर जम्मू के सिखा ने किया प्रदर्शन जम्मू पठानकोट हाईवे से लगाया गया जाम। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने भी हिंसा पीड़ितों के नाल सहारनपुर विच कीती मुलाकात प्रशासन से लगाए मिली भुगत के इल्जाम। पटियाला दे देवीगढ़ विच दो धिरां विचाले हुए झगड़े दौरान चलिया गोलियां एक व्यक्ति की हुई मौत एक औरत जख्मी 12 व्यक्तियों खिलाफ कतल का मामला दर्ज सारे मुलजम फरार। सो खबरों का सिलसिला इत्थे खत्म करते हैं कुछ होर खबरों के नाल फिर मिलांगे तद तक लई इजाजत दिओ।